शहर हो जहाँ ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक लाइटें होती है, हमें रुकना पड़ता है, पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है, अनावश्यक होता है। इसमें कई जगह बहस हो चुकी है देश के अंदर, कई बार धारीवाल जी ने कोटा को, पूरे शहर को ट्रैफिक लाइट मुक्त कर दिया है, और वही काम जयपुर में चल रहा है। अब जयपुर मुक्त होगा, हम चाहेंगे 2030 मिशन जो बनाया है, और वो हमारी कल्पनाओं में रहता है कि हर शहर में ट्रैफिक की लाइटें, लाइट फ्री ट्रैफिक चले वहां पर। इस प्रकार की सोच के साथ में हम लोगों से मांग रहे सुझाव, आपको यहाँ के घर होगा, राजस्थानवासियों को जज्बा दे के मैं सलाम करता हूँ उनको। 2 करोड़ से अधिक लोगों ने सुझाव दे दिए अपने, ऑनलाइन ऑफलाइन आ चुके हैं। 200 लोग बैठे हैं विश्लेषण करने के लिए, उनके लिए टीम बना रखी हम लोगों ने। डॉक्यूमेंट बनेगा, विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, मिशन डॉक्यूमेंट बनेगा, हमेशा काम आएगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आएगा। राजस्थान कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पहुँच गया है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, कहने को बहुत सारी बातें हैं, खाली मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि 5 साल का शासन देखा आपने, कोई कमी रखी नहीं। चर्चा रास्ता है कि मैंने कहा हिंदुस्तान भर के अंदर है, उसके मायने हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर चुनाव आ रहा है। मैं नहीं कह सकता, माए बाप तो आप लोग बैठे हो, प्रदेश जनता होती है, वो तय करती है, वो सरकार बनाते हैं। पर तो पता नहीं मुझे क्यों लगता है, इस बार मैं जहाँ जाता हूँ लोग कहते सरकार आ रही है, सरकार आ सकती है। कल मैं बॉम्बे में था, शांत मैं अभी बात लास्ट बात करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। बॉम्बे में लाल बाग जगह है, वहाँ पर लाल बाग में गणेश जी को वहाँ स्थापित किया गया था, वहाँ मैं गया दर्शन करने के लिए। भीड़ बहुत, लाखों लोग वहाँ आते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं जा रहा था वहाँ के लोग बोल रहे थे राजस्थान सरकार आपकी आ रही है, सब आ रही है। कुछ अंदाज लगा लीजिए कि राजस्थान की आपकी खुशबू जो है पूरे देश में पहुंची है, आपके फैसलों की, आपकी गवर्नेंस की। आईटी बेस आज नंबर वन है देश के अंदर, आईटी बेस राजस्थान नंबर वन पर है, कई मामलों में नंबर वन पे आ गए देश के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आने वाले वक्त के अंदर मिशन 2030 में आप लोग अभी तक सुझाव नहीं दिए, दे सकते हो अगर चाहें तो, डॉक्यूमेंट बन रहा है। 30 में कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन सरकार बनेगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सपने की बात। आज हम क्या सपना देखते हैं, डॉक्टर एवीजे अब्दुल कलाम ने कहा था सपना देखना सीखो जिससे हम आगे बढ़ सकें सपने को पूरा करने के लिए, यही भावना हमारी होनी चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूँगा 2 अक्टूबर को यहाँ पर हम चाहेंगे, राजस्थान एकमात्र राज्य है देश के अंदर, देश में हालात बहुत गंभीर है, हम कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई दबाव में है, नहीं चाहते उनको जाना पड़ता है, घरों में घुसना पड़ता है, तंग करते हैं। राजस्थान में भी प्रयोग करके देख लिया, फेल हो गए। अब देखा होगा पिछले दिनों में ईडी वीडी की बातें चली थी अखबारों के अंदर, कहीं सोना मिल गया, कहीं चांदी मिल गई, कहीं पैसा मिल गया, उसका कौन धनी धोरी है पता किया आपने, कोई पकड़ा गया, कुछ सरकारी मंत्री या अधिकारी को पकड़ा गया उसके अंदर, ऊपर के दबाव से आना पड़ता है लोगों को। आप सोच सकते हो लोकतंत्र कहाँ रहा है, उसका मुकाबला हमें करना है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कृपा करके आप इस बार, वैसे माए बाप जनता होती है, पर मुझे लगता है इस बार जब लोग कहते हैं सरकार आ सकती है तो सरकार रिपीट करके दिखाओ। आप देखेंगे रिपीट होने के बाद में 5 साल जो काम होगा, राजस्थान इतिहास बनाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। यही बात कहता मैं जेडीए को, तमाम मेट्रो रेलवे के कॉरपोरेशन को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने शिलान्यास भी करवाए हैं, लोकार्पण भी करवाए हैं, मेट्रो का एक्सटेंशन भी होगा, और हमारा सपना है कि मेट्रो जो है आपके आने वाले वक्त के अंदर जिस रूप में हम चाहते हैं कि आपके चौमू नजदीक है, चाक्षु है,
बस्ती है, कानोता है, साबुरा है, बगरू तक मेट्रो जाए कोई टाइम ही आए। आपका ये हॉस्टल बन रहे चारों ओर पेरीफेरी के अंदर, जिससे कि एसएमएस में भार कम हो जाए, एसएमएस में शानदार काम